शाम को कंधे तक। अभी मैया सीता जब बरमाला पहनाना जा रही थी लेकिन हाथ नहीं पहुंच रहा है, इतने में सीता की जो सहेलियां और पास में खड़ी हुई थी उन्होंने राम को इशारा किया, राम थोड़ी सी सर को झुका दो फिर ये सीता जी गले में माला को डाल देगी। दो मिनट अब लोग दो मिनट बैठ जाओ, अब लोग दो चार मिनट बैठ जाए फिर तो चले जाने ठीक। हरे कृष्ण। अभी मैया सीता अभी गले में माला पहनाना चाह रही है लेकिन हाथ नहीं पहुंच रही। अभी सीता जी की जो सहेलियां थी राम को कानों में धीरे धीरे बोले थोड़े सर को नीचा कर दो, पर सीता जी गले में माला डाल दी, डाल दे। राम ने कहा क्या, मैं सिर्फ दशरथ महाराज को बेटा हूं, इसलिए रघु कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए, इसलिए अभी तक हमारा वंश में कोई भी किसकी चरण में सर को नहीं झुकाया, अभी शादी की डेर भी नहीं भई। अब बता रहे हो मैं सर झुका दूं, भैया मैं तो सर नहीं झुका सकता हूं। भगवान राम तो इसे सिद्धा खड़े रहे। इतने में पास में लक्ष्मण थी, सखियों ने लक्ष्मण को इशारा किया, बोले लक्ष्मण तू कुछ कर दे, अगर तू हमारा काम करोगे ना तेरे काम हम भी कर देंगे। लक्ष्मण बोले भैया कौन सा काम है, बोले ये सीता जितने सुंदरी है ना इसकी एक छोटी बहनी है जिसका नाम उर्मिला, ये उर्मिला भी कम सुंदरी नहीं, अगर तू हमारा काम करोगे ना तेरा काम भी हम कर देंगे। लक्ष्मण ने सोचा भैया फिर तो मेरे कुछ करना पड़ेगा। इतने में राम ने लक्ष्मण की इशारा की, बोले लक्ष्मण देख तेरे भाभी सामने खड़ी हुई माला लेकर के, मैं तो सर झुका ही नहीं सकता हूं, इसलिए तू कुछ व्यवस्था कर। लक्ष्मण बोले प्रभु मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि लक्ष्मण कौन है, ये स्वयं पृथ्वी देवी है, ये लक्ष्मण स्वयं पृथ्वी स्वरूप अनंत स्वरूप है। बोले प्रभु ये पृथ्वी तो दो टुकड़े है ही नहीं, जो एक टुकड़े को ऊंचा और एक को नीचा कर दूं, ये पृथ्वी एक ही है, जब मैं पृथ्वी को नीचा करता हूं ना आप दोनों नीचा हो जाओगे, जब ये पृथ्वी के मैं ऊंचा करूंगा फिर आप दोनों ही ऊंचे हो जाओगे, फिर मैं क्या करूं। राम बोले लक्ष्मण कर तो कुछ, अभी प्रभु की भावना समझते हुए लक्ष्मण जी प्रभु राम का चरण में प्रणाम किया। अगर कोई प्रणाम करे आप क्या करोगे, उसको उठाओगे ना। इतने में लक्ष्मण को जब राम ने उठाने के लिए गए इतने में राम का सर नीचा हो गया और मैया सीता ने राम की गले में उन्होंने वरमाला को डाल दिए। अब लोग कोई ताली नहीं बजा रहे, अब लोग लगता है बेरसी के आदमी। जब उन्होंने उनको गले में माला डाल दिए सारे 33 करोड़ देवता आकाश मार्ग से दर्शन कर रहे थे क्योंकि भगवान की शादी हो रही है, सारे देवता शंकर ब्रह्मा इंद्र चंद्र सबके सब आकाश मार्ग से देख रहे थे। जब माता सीता ने प्रभु की गला में माला डाल दिए सारे देवता लोग प्रसन्न होकर के भगवान की जयकार लगाए, बोले सियावर रामचंद्र की। इतने में जो सखियां थी ना लक्ष्मण को टोंटिंग किया, बोले क्यों लक्ष्मण जी तेरे प्रभु का हार पहनना ही पड़ा, मतलब तेरे प्रभु का हार मानना ही पड़ा, सर नचा करना ही पड़ा। लक्ष्मण बोले मेरे प्रभु हार पहने, हार नहीं, तुम लोग हार कहते हो हम तो जयमाला कहते हैं, मेरे प्रभु ने धनुष को उठाया धनुष तोड़े उनने जयमाला उन्होंने पहने, उन्होंने हार नहीं माने। अभी से जनक महाराज जी अयोध्या में एक उन्होंने दूत को भेज दिया, बोले दशरथ महाराज बरात लेकर के आए। जब बरात लेकर के आए जनक सोच रहे थे शायद ये दो ही भाई है, लेकिन जब बरजात्री आए ना देखा ये दो ये चार भाई है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये चार भाई को साक्षात विष्णु की अंश से आए, ये वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध और शंकर सन है, ये चार भाई साक्षात विष्णु स्वरूप ये चार भाई है। अभी जनक महाराज देखे हमारे पास में चार बेटियां हैं सीता उर्मिला सुतकीर्ति और मांडवी, ये कौन है साक्षात ये माँ लक्ष्मी स्वरूप है, और ये चार भाई कौन है साक्षात विष्णु स्वरूप है। बोले जोड़ी तो बड़ी प्यारी, बोले एक साथ में हम चाहते हैं ये सब की सब एक साथ में शादी हो जाए,
फिर इन्होंने श्री दशरथ महाराज से प्रार्थना की, आपके चार बेटे और हमारी चार बेटियां हैं, हम चाहते एक साथ में ये बेटियों को दान दे दे। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तब एक साथ में चार भाइयों का शादी हो गया। जब शादी हो गई, अभी पहले तो शादी से पहले कोई नहीं मिलते थे, चार दिन के बाद में फिर मिलन होती थी। इतने में सखियां ये चार ही बहुओं को चार दिन के बाद में बड़ा सुंदर श्रृंगार करके और घूंघट है घूंघट निकाल करके चार भाइयों के पास में ले आए। बोले देख राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तुम चार भाई हो, ये तुम्हारी चार ही बहुएं हैं, अभी अपना अपना बहुओं को छांट लो। बोले राम छोटे भाइयों का जो पत्नी ये अपना बेटी के बराबर है, सावधान सहकार में अपना छांटो, क्योंकि वो घूंघट निकाल करके लाए, अभी किसको पता है नहीं कौन उर्मिला कौन सुकृति कौन मांडवी। बोले छांट लो अपना पत्नी को, साली लोग हसीद लगी करते हैं। बोले राम सावधान, छोटे भाई को पत्नी को अगर पत्नी बोल दिया ना, बेटी को पत्नी बनाना। और तीनों भाइयों को सावधान कर दिया। बोले बड़े भाई का जो पत्नी वो माँ की बराबर है, इसलिए अगर तुम अपना पत्नी को नहीं छांट करके बड़े भाई को पत्नी को अगर पत्नी बोल दिया ना, क्या हो गया, माँ को ही पत्नी बनाना, इसलिए छांट लो कौन किसकी पत्नी है। अभी चार भैया का शरीर से पसीना निकल गया। इतने में राम ने बहुत सोच सोच करके बोले ये मेरी पत्नी है, सीता को ठीक छांट लिया सीता को। भरत जी को बोले बताओ तुम्हारी इसमें पत्नी कौन है, वो भी बहुत सोच सोच करके बोले ये मेरी पत्नी है। उन्हें ठीक अपना मांडवी को ही छांट लिए। अभी शत्रुघ्न के नंबर आया, बोले बताओ तुम्हारी पत्नी कौन, वो भी सोच सोच करके बोले ये मेरी पत्नी है। जितने सखियां बोल रही थी तुम सही सही बात बता रहे। लक्ष्मण को बोले तुम्हारी पत्नी कौन है, वो भी ठीक अपना पत्नी को ढूंढ लिए। फिर इनकी सखियों ने पूछा राम ये बताओ तुमने ये चारों में कैसे तुमको पता चला ये तुम्हारी पत्नी है। राम ने कहा देखो मैंने सीता को मैंने दो बार देखा है, जब पुष्प वाटिका में ये पुष्प चयन करने गई थी मैं भी पुष्प चयन करने गया था, तब भी मैंने सीता को देखा था, जब ये गले में माला डाल रही थी मैंने तब भी मैंने देखा था, इसलिए मेरे को पता चल गया मेरी पत्नी कौन है, इसलिए छांट लिया। भरत जी को बोले तुमको कैसे पता चला ये तुम्हारी पत्नी। बोले जब मैं कोई काम करता हूँ प्रभु राम का चरण को चिंतन करते हुए काम करता हूँ, इसलिए हर काम में मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ, इसलिए मैंने अपना पत्नी को मैंने छांट लिया। शत्रुघ्न से पूछे बोले तुमको कैसे पता चला ये तुम्हारी पत्नी। बोले देखो मैं चार भाइयों में सबसे छोटा हूँ, इसलिए मैंने देखा ये चारों में सबसे छोटी कौन है, इसलिए जो छोटी थी मैंने उसको बोल दिया ये मेरी पत्नी। अभी श्री लक्ष्मण को बोले तुम्हें कैसे पता चला ये तुम्हारी पत्नी। बोले देखो जब तीनों ने तीनों को छांट ली, जो बाकी रह गई वही मेरी पत्नी, इसलिए आसानी से मैंने छांट लिया। इसलिए सखियों ने बड़े ठाल लगाकर हंसे। ऐसे ही चार भाइयों की बड़े सुंदर रूप में शादी हुई और बारात वहां पर 6 महीना तक रही बारात। उसको बाद में फिर ये सबके सब आए अयोध्या में, और जिस समय राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, इतने में श्री मंथरा ने कैकेयी का बुद्धि को भ्रष्ट करके उन्होंने 2 वर मांगे। एक वर में मेरा बेटा भरत राज सिंहासन में बैठेगा, दूसरे वर में श्री रामचंद्र 14 साल के लिए वनवास जाएंगे। जब भगवान वनवास गए, बोले ये कथा कौन किसको सुना रहे हैं। बोले मैया जसोदा ये कृष्ण को वो कथा सुना रहे हैं, जब उन्होंने सुपर्ण खाने जब बड़ी सुंदर बन करके प्रभु राम को शादी करने आए, लक्ष्मण जब उसको ना कान काट दिया, इतने में रावण सुन करके संन्यास वेश धारण करते हुए माता सीता को उसने उठा करके ले लिया। जब कृष्ण को मैया बोली, रावण ने सीता को उठा करके ले गया। राम कौन है, राम ही कृष्ण बन करके आए, सीता वही राधा रानी। जब उन्होंने सुना मेरे पत्नी शक्ति को ये रावण ने उठा करके ले गया, इतने में कृष्ण को तो बड़ा क्रोध आया। कृष्ण गोद में सो रहे थे, इतने में कृष्ण छलांग लगा कर खड़े हो गए। बोले लक्ष्मण लक्ष्मण मेरे धनुष ला, मैं अभी देखता हूँ ये दुष्ट रावण कैसे सीता को उठा करके ले जाएगा।
भैया जसोदा बोली भैया इसका क्या हो गया, मैया को बताया नहीं ना वही राम ही कृष्ण बन करके आए। ऐसे ही मैया जसोदा कन्या को बड़ी प्यारी प्यारी राम की कथा सुनाया करते थे। बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राधे। हरे कृष्ण। हाँ करो क्या करना आप लोग। भोली वाले कृष्ण लाल की जय, जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज हमारे लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे सांसद रमेश मिदुड़ी जी यहाँ भगवान के दर्शन करने और गुरु जी से आशीर्वाद लेने के लिए पधारे। उनके साथ थेमानी जी। ये एक विशेष हमेशा ही रहता है। जैसे ही हमने मिदुड़ी जी को कहा कि हमारे यहाँ 7-8 साल से कथा हो रही है, बोले भी दर्शन करने जरूर आएंगे। आज 12-13 शादियों में जाना है, लेकिन फिर भी गुरु जी से आशीर्वाद लेने। और मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करूंगा कि ये हमारे सांसद हैं, बहुत जल्दी ये मंत्री बने और हमारे पूरे क्षेत्र में। और किमानी जी भी क्या कहते हैं गुरु जी से। मैं रमेश भाई को ये बताना चाहूँगा कि ये 7-8 साल से ये 5-7 जो हाउसवाइफ्स हैं, यही सब लोग मिलके इसका आयोजन कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुल ये आयोजन है। और आपका प्रेम और सहयोग से हमेशा ये बना रहे और हर साल यहाँ पर इसी तरीके की भागवत होती रहे, इसी कामना के साथ। राधे राधे।